सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। संगीत की कोई जात पात नहीं है, भले ही ये दुनिया खत्म हो जाए लेकिन संगीत फिर भी जिंदा रहेगा। ये शब्द हैं मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के। देश में जब भी शहनाई की बात की जाती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे पहले जहन में उठता है। वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाने की कला से पूरे विश्व में शहनाई को नई पहचान दिलाई। खान साहब का जन्म 21 मार्च 1916 को एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम कमरुद्दीन रखा गया, लेकिन बाद में उनके बड़े भाई और दादा रसूल बख्श खान उन्हें बिस्मिल्लाह कहकर पुकारने लगे और तभी से लोग उन्हें बिस्मिल्लाह के नाम से ही जानने लगे। उनके पिता भोजपुर के राजा के दरबार में संगीतकार के पद पर कार्यरत थे। उनके परदादा हुसैन बख्श और दादा रसूल बख्श भी दमराव पैलेस में संगीतकार ही थे। खान साहब के सभी पूर्वज दरबारी संगीतकार थे और वे भोजपुर राज्य में नक्कार खाना में अपने वाद्यों को बजाते थे। खान साहब 6 साल की आयु में ही वाराणसी चले गए थे, जहां अपने अंकल के प्रशिक्षण में उन्होंने संगीत सीखा और फिर बाद में वाराणसी विश्वनाथ मंदिर के अली बख्श विलायतु से उन्होंने शहनाई बजाने की शिक्षा ली। शहनाई जैसे संगीत वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध बनाने में बिस्मिल्लाह खान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय संगीत के मध्य भाग में शहनाई खरीदी थी और 1937 में कलकत्ता ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे बजाया भी था। भारतीय आज़ादी के बाद उन्होंने दुनिया में कई जगहों पर कई देशों में अपने शहनाई की धुन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। 1947 में भारतीय आज़ादी की पहली शाम को खान साहब ने लाल किले पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 को भी उन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस की शाम को लाल किले पर राग काफी का प्रदर्शन किया था। बिस्मिल्लाह खान साहब को जब बुखार हुआ तो उन्हें इलाज के लिए वाराणसी के हेरिटेज हॉस्पिटल में 17 अगस्त 2006 को भर्ती किया गया। इसके 4 दिन बाद ही 21 अगस्त 2006 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने उनकी मृत्यु के दिन को राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। उनके शरीर को उनकी शहनाई के साथ ही वाराणसी में फोते में मैदान में एक नीम के पेड़ के नीचे भारतीय आर्मी द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ दफनाया गया था। आज भी गूगल ने अपने डूडल से खान साहब को श्रद्धांजलि दी और उनकी यादों और शहनाई की गूंज के जिंदा होने का उदाहरण दिया। अंकुर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।